हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल क्रिकेट फोकस के ऊपर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो ओवर 50 वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, यानी इंडिया 50 वर्सेस पाकिस्तान 50 आप कह सकते हैं। आपको बता दूं, इस मैचेस में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सभी 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, इसलिए इसे ओवर 50 वर्ल्ड कप बोला जा रहा है। आपको मैचेस को देखने को एक दो ही मिल रहे हैं, लेकिन रोज़ 6-6 मैच हो रहे हैं। और लास्ट मैच पर आपने देखा था तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था एक्लेस स्टोन के बारे में कि वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, और वो कन्फ्यूजन क्यों था क्यों मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। 11 नहीं 12 खिलाड़ी खेल रहे थे और हम देख रहे थे कि 11 के नाम है, तो यहाँ पे रीज़न ही ये है। आप मान के चलो कि इन मैचेस में 12 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, किन्हीं भी 11 को बल्लेबाजी कराई जा सकती है और किन्हीं भी 11 को यहाँ पे फील्डिंग कराई जा सकती है। तो हो सकता है एक ऐसा बल्लेबाज खेले जो आपको गेंदबाजी मतलब फील्डिंग करते ना दिखे और एक्स्ट्रा बॉलर उस फॉर्मेट में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, रूल्स की टोटली अनक्लैरिटी है और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि जो कुछ मैचेस हैं, 6 मैच हो रहे हैं एक दिन में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको केवल 2 दिखने को मिल रहे हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्या 11 खिलाड़ी खेलेंगे ये 12 क्लियर ही नहीं है, क्योंकि कुछ उन 6 में से मैचेस में 12 खेले और कुछ में 11। आप 12 ही मानकर चलेंगे, मेरे हिसाब से ज़्यादा मैचेस में ये हुआ तो मैं भी यही मान के चल रहा हूँ। भारत के मैच के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के, मैक्सिमम लोग आपको यहाँ पर ज़्यादा भारत के खिलाड़ी के साथ दिखेंगे। भारत का ये डेब्यू है इस फॉर्मेट में, पाकिस्तान काफ़ी टाइम से खेलता आ रहा है, लास्ट वर्ल्ड कप का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, इस वर्ल्ड कप का भी स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा पाकिस्तान का टीम, फिर भी उम्मीद करते हैं इंडिया टफ कंपटीशन दे। लेकिन आप कह सकते हैं, देखो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ये बेस्ट नहीं हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आए हैं खेलने, लेकिन अभी इंडिया में ये नई शुरुआत है, जबकि पाकिस्तान से ये सिस्टम काफ़ी देर से डेवलप्ड है। उनका ओवर 50 का पूरा डेवलप्ड सिस्टम है, काफ़ी टाइम से उनके इतने सारे फॉर्मेट्स में प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनमें से बेस्ट सिलेक्ट किए करके आ सकते हैं। इंडिया ने इसमें नया कदम रखा है, धीरे धीरे आपको इंडिया भी इसमें अच्छा करता ज़रूर दिखेगी। तो बात करते हैं, इंडिया से लास्ट मैच में ओपनिंग करी थी वरिंदर बुमला ने, जिन्होंने 4 रन किए केवल 47 गेंद खेलकर, और संजय बैरी ने 3 रन के 21 गेंद खेलकर मेडन पे मेडन डाल रहा था जब इंग्लैंड का मैच हुआ था इंडिया से। पीजी सुंदर, जो कि इंडिया से रणजी का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, उन्होंने 0 रन किए 3 गेंदों में। इकबाल खान ने सबसे अच्छी इनिंग्स खेली थी, रणजी ट्रॉफी का एक्सपीरियंस है, मुंबई से भी ये खेल चुके हैं और आई थिंक एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से खेले थे, मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक असम से। 49 रन 111 गेंदों में, 4 गेंदे भी डाली इन्होंने जिसमें इनको 10 रन पड़े पर विकेट नहीं मिली। तुषार झवेरी, जिन्होंने रन तो 11 किए लेकिन मैं आसानी से आपको बोल सकता हूँ भारत के सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, प्रैक्टिस मैच में भी अच्छा किया, सिलेक्शन प्रोसेस में भी सेंचुरी लगाई थी इन्होंने, 2 ओवर भी फेंके 5 रन देकर कोई इनको विकेट नहीं मिला। फिर आते हैं भारतीय टीम के कैप्टन शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने ओवर तो किए 5, 1 मेडन डाला, 22 रन दिए, विकेट नहीं मिली, लेकिन बल्लेबाजी में 0 पे आउट हो गए थे। प्रतिंदर सिंह ने 18 रन किए 49 गेंदों में, ठीक प्लेयर हैं ये भी। अश्विनी अरोड़ा आपको चाइना में गेंदबाजी करते दिखते हैं, 1 रन किया उन्होंने 2 गेंदों में, आउट ज़रूर किया, रन भी पड़े थे, लेकिन ये विकेट टेकर हैं भारतीय के। आप मान सकते हो कि चाइना में गेंदबाज, वैसे पाकिस्तान ने तो काफ़ी चाइना में देखे होंगे, लेकिन इंग्लैंड के सामने मैं इसलिए आपको इनको कह रहा था लेने को कि इंग्लैंड को शायद तंग हो चाइना में खेलने में, थोड़े रेयर कमोडिटी होते हैं चाइना में गेंदबाज, लेकिन शायद पाकिस्तान को उतनी ना हो। प्रदीप पटेल के बारे में बात करें, 1 गेंद में 1 रन, 2 ओवर 17/0। पी एन अंता इंडिया के विकेट कीपर काफ़ी नीचे आ रहे हैं। मयंक खंडवाल 6 ओवर 1 मिनट 33 पे, और 12वां प्लेयर रहा था फैबियन हीटन। बेंच पे आपको ये 3 प्लेयर दिख जाएंगे, कुछ भी चेंज किया जा सकता है दोस्त, और लाइनअप आती है 101% में आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, नहीं आती तो उस केस में यही सब कुछ रहने वाला है। पाकिस्तान की आपको बता दूँ खबर, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात भी करेंगे। साजिद अली, जिन्होंने पिछले मैच में ये भी नबीबिया साथ खेल के आया, आई थिंक नबीबिया से खेल कर आए हैं, पहले बल्लेबाजी करी, ऑलमोस्ट सबको ही बल्लेबाजी करवा दी और उसके बाद रन विकटे मिली उनको, ऑल आउट किया, आसानी से जीत के आई। साजिद अली जो इनके इस फॉर्मेट के सबसे बढ़िया प्लेयर हैं, लास्ट वर्ल्ड कप के भी मेन बल्लेबाज रहे थे इनके, और साथ ही साथ ये 40 अबव की एवरेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं और अपने क्लब के लिए भी हाईएस्ट स्कोरर हैं, जिस क्लब से ये इंटरनेशनल खेलने आए हैं उस क्लब में भी इन्होंने हाई स्कोरिंग करी थी। तो आप देख सकते हो कितने की प्लेयर रहेंगे, और 27 रन खेले थे इन्होंने पहले मैच में। राजा अर्शद हयात 2 रन पे आउट हो गए थे, रिकॉर्ड डोमेस्टिकली अच्छा है पहले मैच में, लेकिन केवल 2 रन बनाए। अहमद हयात ने 23 रन भी किए, 5 ओवर भी करे, 26 रन देकर 1 विकेट ली। जफर अली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर, पॉपुलर प्लेयर है इस टीम के, 3 ओवर डाले थे, 2 मेडन थे, 8 रन दिए और 1 विकेट, 8 इसमें आप कह सकते हो उन्होंने बल्लेबाजी से भी रन किए। फिर आते हैं इनके नए प्लेयर हैं लेकिन कैप्टन हैं, बहुत अच्छा खेल के आए हैं क्लब्स में, 26 रन हैं डोमेस्टिक में, देखोगे ये क्या करके आए हैं, 46 की एवरेज से ऊपर से रन किए हैं, तो बढ़िया प्लेयर हैं। दस्तगीर बद की बात करें, लास्ट वर्ल्ड कप में इनके मेन प्लेयर थे, पहले मैच में 0 पे आउट हो गए, 0 पर, फिर भी आपको बता दूँ मेन प्लेयर हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट थे, ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा।
महमूद हमीद 24 रन किए, एक ओवर किया, 3 रन दिए और 0 विकेट ली। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन मोहम्मद जावेद मेरे हिसाब से इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, 8 ओवर किए, 18 रन दिए और 3 विकेट ली। अजहर खान जो इनके विकेट कीपर हैं, जिनका सिलेक्शन ही नहीं है, बेस्ट चॉइस है, उन्होंने 50 रन किए। लेकिन जो दूसरा प्लेयर आपको यहाँ पे अवेलेबल है वो आई थिंक मोहम्मद हमीद है, जो एक्चुअली ने एक ओवर भी डाला था और 24 रन भी। अब सभी लोग हमीद के साथ जाएंगे और हम जाने की कोशिश करेंगे अजहर खान साथ, उन्होंने 50 किए, लेकिन वही बात आ जाती है, रिस्क क्यों आ जाता है। अब हम लास्ट मैच देखकर, एवरेज स्कोर्स देखकर, इनकी एवरेज भी अजहर खान की ज़्यादा है, लेकिन अब वही इस मैच में अगर हामिद कर जाए तो हम हार जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है ऐसे मैच में। जिन लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो बस नॉर्मली सिलेक्शन देख के प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जफर कुरेशी मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इनका सिलेक्शन 50% से कम है, 71 रन किए थे लोअर ऑर्डर में आकर और 6 ओवर, 1 मिडन, 8 रन, 2 विकेट। प्रॉब्लम क्या है, इनका बल्लेबाजी क्रम का कन्फर्मेशन नहीं है, कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है जफर ऊपर आ जाए, जफर नीचे आ जाए, गफर नीचे आ जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। फवाद बैरी 17 रन, 4 मिडन, 4 ओवर 17/2 और 3 ओवर 1 मिडन, 9 पेक, इम्तियाज़ थरार इनके की बॉलर हैं। उस मैच में सिर्फ 3 ओवर कराए गए, ऑल आउट हो गई थी ना अभी भैया जल्दी, तो बाकी बॉलर्स को मौका ही नहीं मिला, हो सकता है और भी बॉलर्स को बोली करवाई जाती। बेंच पे इम्तियाज़ तरार का नाम मैंने लिखा हुआ है, तो ये पहले मुझे जब पता नहीं था कि 11 प्लेयर नहीं खेल रहे, 12 खेल रहे हैं, तब के लिए लिखा था। जावेद हफीज़ के बारे में बता दूँ, ये भी टॉप प्लेयर है, पहला मैच खेले नहीं, सरप्राइजिंग था, लेकिन काफ़ी क्रूशल रहे थे लास्ट वर्ल्ड कप में इनके लिए, डोमेस्टिकली भी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं एज ऑलराउंडर। आसिफ हयात, यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है आसिफ हयात का, ठीक ठाक प्लेयर है, ज़्यादा इनके रिकॉर्ड मुझे मिले नहीं। बाबर भट्ट और अजीज़ और रहमान ठीक ठाक प्लेयर हैं, मौका मिलने के कम चांस है, इन पर हम ध्यान नहीं देंगे। जिन प्लेयर्स पे आपको ध्यान देना, नोटेबल प्लेयर इसमें आते हैं सबसे ऊपर जफर अली, यहाँ पे एम हमदी लिखा है, मैं एम हमदी नहीं लिखना चाहता था, मोहम्मद हामिद लिखना चाहता था, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज ना होना, मोहम्मद हामिद की बात हो रही है। मोहम्मद हामिद ने क्या किया, एक वनडे खेल चुके हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के लिए, 10 साल फर्स्ट क्लास करियर में भी खेल चुके हैं, तो ये भी अच्छे प्लेयर हैं। बाकी जी कज़मी इंपॉर्टेंट है, जे करूशी, ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर्स रहेंगे इनके लिए। दोस्तों यहाँ पे वही बात जो आपको बताई थी, विकेट कीपिंग सेक्शन में कन्फ्यूजन यही है, ए खान के साथ नहीं जा रहे लोग, जिन्होंने रिसर्च किया वो केवल 8% है जो इनको ले रहे हैं, लोग जा रहे हैं हामिद साथ ये देखकर कि सबने इनको लिया है। अब प्रॉब्लम वही है, हामिद बल्लेबाजी भी ठीक कर लेते हैं, गेंदबाजी करी थी एक ओवर, लेकिन ए खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं, प्लस फर्स्ट मैच में इनके सेकंड हाईएस्ट स्कोर लगाए थे, हाफ सेंचुरी लगाई थी। अब क्या करें, आपके सामने है इतना बड़ा कन्फ्यूजन, क्या हम भी भेड़चाल में हामिद को ले लें कि यार हमारा ओपोनेंट हामिद लेने वाला है, या हम लास्ट मैच से देखें कि यार ए खान का एवरेज ज़्यादा है, बढ़िया ज़्यादा खेल रहे हैं, जिस वजह से हम उनको प्रेफर करें, और इंडिया के सामने हो सकता है स्टंपिंग वगैरह कर जाए ज़्यादा, तो ये थोड़ा क्रूशल चॉइस रह सकता है। बाकी यहाँ पे बुमला ने जैसी कुछ इनिंग्स खेली नहीं थी, 40 गेंद करके 4-5 रन करना, प्रैक्टिस मैच में भी काफ़ी स्लो खेले थे। बाकी बात करें साजिद अली, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर पाकिस्तान के, आर अर्शद हयात ओपनिंग पर आ रहे हैं, लोगों ने ये देखा भी नहीं वैसे तो सिलेक्शन, और उस हिसाब से लोगों ने ले लिया होगा। बाकी 2 रन पे आउट हो गए थे। पी सिंह हैं, ठीक प्लेयर थे, 18 रन किए थे आई थिंक, या क्या किया था, ठीक ठाक खेले थे। बेरी इंडिया के कह सकता हूँ अच्छे बल्लेबाज है, रिकॉर्ड ठीक था, पहले मैच में अच्छा बिल्कुल नहीं खेले, डक भी किया आई थिंक और स्ट्राइक रेट के भी नेगेटिव पॉइंट दिए, तो इन लोग इनको फिर भी ले रहे हैं, रीज़न ये कि ठीक ठाक प्लेयर हैं। एफ हीटॉन, ए चगलाट, डी बट इसमें मैं कह सकता हूँ अच्छे प्लेयर हैं, एम जावेद सीनियर अच्छे प्लेयर हैं, ये दोनों क्रूशल पिक साबित हो सकती है मेरे हिसाब से। लोगों का इन पे ध्यान नहीं है, ये दोनों को आप ट्राई करें ग्रैंड लीग में एक ही टीम में, बहुत डिफरेंशियल हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा। मान लो आप ये 3 प्लेयर अगर आप लेके जाते हो पाकिस्तान के, तो ये 3 प्लेयर काफ़ी अच्छे आपके लिए डिफरेंशियल प्लस यूनिक पिक्स बन सकती हैं। ऑलराउंडर्स में 4 खिलाड़ी लेने की कोशिश करोगे, देखो इस सेक्शन में ऑलराउंडर्स ऐसे मैचेस में इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला खिलाड़ी जो आपको लेना ही लेना है वो है आई खान, यहाँ पे इकबाल खान ने 49 रन किए थे, मेन स्टे इंडिया के, 10 साल से एक्सपीरियंस है रणजी का, साथ साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, बढ़िया फास्ट बॉलर हैं। टी जावेरी बढ़िया, आप कह सकते हो सबसे बढ़िया बल्लेबाज भारत के, हो सकता है उतना रन ना करे पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, लेकिन अगर आप चॉइस देखोगे सभी 11 खिलाड़ियों में मेरे हिसाब से भारतीय में सबसे इंपॉर्टेंट दो प्लेयर हैं आई खान और टी जावेरी, जिनको मैंने पिक कर लिया है। अब जी कज़मी है, पी पटेल है, ये सब प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें सबसे अच्छी चॉइस जो मेरे हिसाब से रहेगी वो रहेगी ए हयात, चॉइसेस में आपके लिए रहेगी जेड अली और ए हयात। अब ए हयात में कंफ्यूज मत होना, दो दो ए हयात है, आपको वो प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से। अहमद हयात आपको सिलेक्ट करने हैं, ये वाले जो नंबर 3 पर आए थे, 5 ओवर भी फेंके थे, ना कि आसिफ हयात, तो ये देखकर चलना है आपको।
दोस्तों काफ़ी लोगों ने जी कज़मी लिए हैं, इन्होंने पहले मैच में ओवर नहीं डाला था लेकिन इन्होंने रन किए थे और कप्तान हैं, एक्सपेक्टेड अच्छा कर सकते हैं। और जो दूसरे प्लेयर अच्छा कर सकते हैं वो हैं इंडिया के कप्तान एस सिंह शैलेंद्र सिंह। इन्होंने 5 ओवर फेंके थे, 0 रन किए थे लेकिन बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो आपके पास टोटल ऑलराउंडर में 6 चॉइसेज है जिनमें से आपको ज़्यादा लेनी है, ए हयात, जेड अली, जी कज़मी, टी ज़वेरी, आई खान, यानी कि ये 4 प्लेयर्स तो आपके पास है ही। इसके अलावा आपके पास 2 आई खान जिनको लेना ही है और शैलेंद्र सिंह। मैं आपको 4 ही खिलाड़ी ऐसे सिलेक्ट करके दिखा सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा अलाउड नहीं है, वरना ये 6 खिलाड़ी मेन हैं मेरे हिसाब से। गेंदबाजी में इंडिया के जो 2 मेन प्लेयर रहेंगे वो रहेंगे ए अरोड़ा चाइनामैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलर एम खंडवाला, ये 2 प्लेयर। पाकिस्तान से आइतरार अच्छी पिक है, मेन बोलर जे कुरेशी काफ़ी अच्छी पिक है, रन भी किए गेंदबाजी भी करते हैं। बाकी सत्य बैरी, इनमें बैरी भी ठीक थे हमने देखा था, और कोई मुझे कुछ खास प्लेयर लग नहीं रहा है। तो कुल मिला के ये आप पास ऑप्शंस है, इन 5 में से आपको 3 या 4 लेके जानी है। जफर हवीस को क्यों नहीं खिलाया गया मुझे नहीं समझ, लास्ट वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे थे, नहीं मौका मिला। अगर बाय चांस खेलते तो अच्छे हो सकते लेकिन लास्ट मैच नहीं खेले। दोस्तों यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बहुत आसानी से जाएं, उस पर सर्च करें क्रिक 11 फोरकास्ट। आपको इसमें सर्च करते करते बिल्कुल स्पेस नहीं डालना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। आपको करीब ऐसा चैनल देखने को मिलेगा जिसमें अब 49,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, आप करीब 50,000 समझ लीजिए, 50,000 के करीब लोग होंगे। आपने इस चैनल में आ जाना है और यहाँ पे आपको फ्री क्रिकेट नॉलेज दी जाती है। जुड़ने के लिए क्रिक 11 फोरकास्ट सर्च करें विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं डालना। दोस्तों अपनी फाइनल टीम मेरा ऑनेस्टली दिखाने का मन नहीं था, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो कॉपी कर रहा है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको ये फुल इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया आप बढ़िया से इसको एनालाइज करें, और भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा जिससे आप बढ़िया से एनालिसिस कर पाएंगे। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हो सकता है उनके लिए एक प्राइवेट वीडियो डालने की कोशिश करूं या कुछ, कि आपको थोड़े और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे पाऊं और कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी उसमें बता सकूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और एक चीज़ का ध्यान, कॉपी करने से पहले सब ये अच्छे से देखना, कॉपी करने वाला नहीं जीता। लास्ट मैच में मेरे से ज़्यादा लोगों के पॉइंट बने हैं, मेरी ही वीडियो देखकर लोगों ने इतना अच्छा अच्छा किया और मेरे से मच बेटर किया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने जो अपनी टीम क्रिएट करी है कुछ ऐसी क्रिएट करी है, काफ़ी लोग आपको कॉपी करते दिखेंगे जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इससे मदद मिलेगी, मैंने जो ऑप्शंस दिए उनका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं क्रिक 11 फोरकास्ट विदाउट स्पेस, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑलराउंडर्स का ध्यान रखना है, मैंने आपको 2 ऑलराउंडर बताए थे। विकेट कीपर का ध्यान रखना है, ये भेड़चाल वाला विकेट कीपर है, एक खान ने ज़्यादा बैटर किया था, 50+ स्टंपिंग कैचेस कर सकता है। और यहाँ पे दो आपको, एक पाकिस्तान के जो कप्तान हैं, भारत के जो कप्तान हैं, दोनों मिसिंग दिख रहे हैं। कुछ नहीं पता, अच्छा कर जाएं, भेड़चाल में नहीं जाना है, यहाँ मैं भेड़चाल में नहीं गया, यहाँ मैं गया हूँ, अब कहाँ उल्टा पड़ जाए वो कहना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें सब समझे हो और आपको वीडियो पसंद आई।